नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में, जहाँ पर छठ मैया के पावन पर्व पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, इस कार्यक्रम का आयोजन श्री सूरज चौहान जी के नेतृत्व में शेख सराय फेडरेशन व जन सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सभी कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि सभी दर्शकों का उत्साह देखने वाला था। तो आइए हम भी चलते हैं और मजा लेते हैं छठ मैया के रंगारंग कार्यक्रम का। जिताई जालू हे मैया, कौन भाव पर तू नर आई जालू हे मैया, कौन भाव पर तू नर आई जालू हे मैया, कौन भाव पर तू नर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी देशवासियों को इस मंच से छठ पूजा की बधाई दी। सूरज चौहान जी, योगेश कुमार जी, कृष्ण चौहान जी, राजेंद्र सिंह चौहान जी और डीपी तिवारी जी और इंदिरा भारद्वाज जी, मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मोमेंटो अजय सिंह राठौर जी, डॉक्टर अनीता सांडिल्य जी, सूरज चौहान जी और योगेश कुमार जी, जोरदार तालियां। मित्रों, बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बीच में आए। बीजेपी के किसान मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय पाल सिंह जी तोमर का सम्मान कर रहे हैं, कृष्ण चौहान जी, राजेंद्र सिंह चौहान जी, डीपी तिवारी जी, इंदिरा भारद्वाज जी, मोमेंटो और शॉल आप सभी की तरफ से भेंट की जा रही है। देखिए, छठ का पर्व पूरे दिल्ली ही नहीं, बिहार तो झारखंड में मनाते हैं। आज स्थिति है कि पूरे देश भर में, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, जहाँ भी बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वह इस पावन पर्व को मनाते हैं और उनके साथ उन प्रदेश के लोग भी उस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम एक सद्भावना का कार्यक्रम है, प्रेम का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के द्वारा समाज में मेल मिलाप बढ़ रहा है और आज दिल्ली में जिस प्रकार से
छठ की छुट्टी भी हुई है और पिछले वर्ष भी ये छुट्टी हुई थी। ये एक इसी प्रकार से हमारे सभी त्योहारों पर इस तरह की छुट्टियां होनी चाहिए और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वो छठ पर्व में आने वाली बाधाओं को दूर करे। ये छठ पर्व आज हमारी समिति और सिख राय फेडरेशन के द्वारा मनाया गया, जनसेवा समिति यह कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से मनाती आ रही है। हम लोग भविष्य में भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को मनाते रहेंगे और इससे समाज में जो सद्भावना बढ़ रही है उसके लिए मैं लोगों को इस प्रकार से एकजुट होने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। जीवन में इस प्रकार के आयोजन होते रहें, मेरे साथी मुझसे मिलते रहें और आप सब लोग मीन्स हम इस तरह के कार्यक्रम का प्रचार करते रहें। इससे हिंदू धर्म की पवित्रता को बल मिलेगा। आज छठ मैया का हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए हम छठ मैया का आभार प्रकट करते हैं। हम लोगों को छठ मैया आशीर्वाद दें और हम ये कार्यक्रम हमेशा मनाते रहें। धन्यवाद। बोलो छठ मैया की जय। छठ मैया पूजा के इस कार्यक्रम में बीजेपी के एक और नेता श्री सतीश उपाध्याय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी छठ मैया का आशीर्वाद लेने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे और देशवासियों को एक प्यारा सा संदेश भी दिया। मित्रों, आप सभी की तरफ से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी का शॉल उठा करके मोमेंटो भेंट करके श्री तिवारी जी और श्री सूरज चौहान जी, मित्रों जोरदार तालियों से स्वागत। और इनके साथ ही श्री एस के शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली जिला के जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। शॉल और मोमेंटो द्वारा श्री सूरज चौहान जी कर रहे हैं, श्री डीपी तिवारी जी और श्री सूरज चौहान जी, जोरदार तालियां। मित्रों, आप शर्मा जी जो हैं, एस के शर्मा जी, ये नई दिल्ली जिला के भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष हैं। आपके बीच में अनेकों लोग जानते हैं, नित्य प्रति मिलते हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर, छठ पूजा के बारे में आज का आपका क्या कहना है? देखिए, छठ पूजा, छठ मैया का जो ये पर्व है, ये वास्तव में हम सबकी संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं और महिलाओं का जो इसमें एक संस्कृति को बचाने का काम है वो बहुत बड़ा है। 48 घंटे तक वो जिस तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं, पूजा करती हैं, पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए, समाज की मंगल कामना के लिए, तो निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति विरासत है उस विरासत को बढ़ाने का काम ये छठ के माध्यम से हो रहा है। और इस छठ के अवसर पर मैं दिल्ली वासियों को अपनी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि ये छठ आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य ठीक लेकर के आए। प्रधानमंत्री का जो मिशन है स्वच्छता मिशन, हम स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, ये स्वच्छता को भी हम आगे बढ़ाएं, स्वास्थ्य को भी हम आगे बढ़ाएं। और स्वच्छता केवल बाह्य स्वच्छता नहीं, अपने मन के अंदर की स्वच्छता को भी अगर हम ठीक करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा व्यवहार भी ठीक होगा, हमारा आचरण भी ठीक होगा और माँ भगवती का, माँ छठ का हमको सबको आशीर्वाद मिलेगा। यही मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। छठ मैया के इस पावन पर्व पर समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। समाज सेवक और बीजेपी कार्यकर्ता सूरज चौहान का यह कदम समाज के हित में है और बहुत ही सराहनीय है। बीसीआर न्यूज के लिए अजीत शास्त्री के साथ प्रमोद गोस्वामी, दिल्ली।